ओके जी, टेक आउट योर उर्दू टेक्स्ट बुक, टेक आउट योर उर्दू टेक्स्ट बुक। ओके, लेट्स बिगिन अवर क्लास। टेक आउट पेज नंबर 1। ओके जी, पेज नंबर 1 निकाल लें और सबने मेरे साथ रिपीट करना है। अनार, अमरूद, अंडा। अनार, अमरूद, अंडा। हर्फ का नाम है अलिफ। हर्फ का क्या नाम है? अलिफ। और अलिफ की आवाज है अ। अलिफ अ। आग, आम, आड़ू। आग, आम, आड़ू। नाम है हर्फ का अलिफ मद आ, और अलिफ मद आ की आवाज है आ। अलिफ मद आ, आ। बोतल, बिल्ली, बस्ता। बोतल, बिल्ली, बस्ता। हर्फ का नाम है बे, और बे की आवाज है ब। बे ब। पौधा, पीला, परिंदा। पौधा, पीला, परिंदा। हर्फ का नाम है पे। हर्फ का क्या नाम है? पे। और हर्फ की आवाज है फ, फ। तितली, तालाब, तीतर। तितली, तालाब, तीतर। हर्फ का नाम है ते, और ते की आवाज है त, त। ते, त। टोकरी, टमाटर, टोपी। टोकरी, टमाटर, टोपी। हर्फ का नाम है टे, और टे ने अपने सर पे टोपी पहनी हुई है, ठीक है। हर्फ का नाम है टे, और टे की आवाज है ट, ट, ट। टे, ट, ट, ट। समर, साबत। समर, साबत। हर्फ का नाम है से। हर्फ का नाम है से, और से की आवाज है स, स। समर, साबत, से, से, स। आपको मैंने पहले भी एक बार इस पेज से पढ़ाया था, बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे आपको सारे लेटर्स नजर आ रहे होंगे। अब यहां से हम एक बार रिपीट करते हैं सारे लेटर्स को, और उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। अलिफ अ, मेरे साथ रिपीट कीजिए। अलिफ अ। अलिफ मद आ, आ। अलिफ मद आ, आ। बे ब, बे ब। पे फ, पे फ। ते त, त। ते त, त। ते ट, ट, ट। ते ट, ट, ट। से, स, से, स। ओके जी, अब मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। ओके जी, वेरी गुड। अब वापस से हम पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं, ठीक है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 9। आप सब पेज नंबर 9 निकाल लें।
ठीक है, पेज नंबर 9 निकाल लेते हैं हम। और आज जो हमने सबसे पहले एक्टिविटी करनी है वो है, सबसे पहले तो आपने अपनी मम्मा से यहाँ पर डेट और डे मेंशन करवाना है, और उसके बाद हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारे साथ क्लास में कौन कौन है। जिमल, माहद अहमद, मुतशमा एंड इरहा कामरान। ठीक है, ये सब बच्चे हमारे साथ क्लास में हैं आज। ओके जी, सबसे पहला जो हमने एक्टिविटी करनी है दैट इज़ हरूफ के दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं, हर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। आपको यहाँ पे पेंसिल बनी हुई नज़र आ रही होगी जिसके अंदर सारे हर्फ लिखे हुए हैं, बे टे ते से, और साइड पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, बस्ता समर टोकरी तितली। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने रूलर से इसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, सब अपने पास रूलर ले आए। सबसे पहले आपने एक रूलर लेना है और आपने मैचिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहली पिक्चर है बस्ता। अब आप देख सकते हैं कि बस्ता बना हुआ है, और अब आपने पेंसिल के अंदर आपने लेटर्स को ढूंढना है कि लेटर्स कहाँ हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, बे, बे ने एक नुक्ता अपनी टमी में रखा हुआ था। अगर आपको ऐसे नुक्ते याद होंगे तो आपको पता होगा कि बे कौन सा वाला है। बे ने अपना एक नुक्ता अपनी टमी में रखा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूलर को लेंगे और मैचिंग करेंगे इस तरह से, बस्ता और बे। इस तरह से आपने इसको इधर रखना है, ये देखें बस्ता और बे को आपने आपस में मिलाना है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे मिलाया हुआ है, और आपने पेंसिल से ऐसे लाइन लगानी है बिल्कुल रूलर के पास। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मिला लिया है। ठीक है, बस्ता बे से शुरू होते हैं, बे बस्ता। इसी तरह से आपने मैचिंग करनी है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर है समर से समर। अब आपने समर जो है तो कल ही पढ़ा था, हमने ये हर्फ कल ही पढ़ा था तो हमें पता है कि ये कैसा होता है। ठीक है, आपको याद है ना समर जो है से शुरू होता है, कौन से हर्फ से शुरू होता है, से। और से ने अपनी तीन रोटियां अपने सर पे रखी हुई है। यस, ये जो बिल्कुल लास्ट वाला हर्फ है बॉक्स में वो है समर। अब हम समर को से मिलाएंगे, ऐसे ही आपने रूलर रखना है और आपने समर को से मिलाना है, से समर। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने बस्ता से समर की मैचिंग कर ली है। ठीक है, अब हम दूसरी पिक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। और कौन सी पिक्चर्स हैं वो, एज यू कैन सी हियर, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे बनी हुई है टोकरी। क्या बना है यहां पे, टोकरी। तो अब हमने टोकरी को उस हर्फ से मैच करना है जो टे से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा टोकरी किस हर्फ से शुरू होती है, टे से। टे ने अपने सर पे टोपी पहनी हुई है। ठीक है, आपने याद रखना है कि टे ने अपने सर पे क्या पहना है, टोपी पहनी हुई है। तो टे को हम टोकरी से मैच करेंगे। अब आप रूलर रख लें और हम टे को टोकरी से मैच करेंगे। ठीक है, टेट टोकरी। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, बे बस्ता से समर,
टेटा टोकरी। अब लास्ट पिक्चर जो रह गई है दैट इज तितली। ठीक है, तितली किस हर्फ से शुरू होती है? ते से। तितली शुरू होती है हर्फ ते से, और ते ने अपनी दो रोटियां अपने सर पे रखी हुई हैं। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ते ने अपनी रोटियां अपने सर पे रखी हुई हैं। अब हम मैचिंग कर लेते हैं, रूलर रख के मैचिंग करनी है। रूलर के बगैर किसी ने मैचिंग नहीं करनी, वरना वो आपकी लाइंस टेढ़ी लगेंगी और वो खराब हो जाएगा काम। ठीक है, ते को हम तितली से मैच करेंगे। तेत तितली, तेत तितली। ठीक हो गया। अब हम एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। बे बा बस्ता, से सा समर, टेट टोकरी, तेता तितली। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हमारी हो गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने करना है हर्फ ते को मिलाते हुए तस्वीर मुकम्मल करें और रंग भरें। अब आपको ये तितली नजर आ रही है और तितली शुरू होती है हर्फ ते से। आपने इन सब छोटे छोटे हर्फ ते को मिलाना है आपस में और फिर इसमें कलर करना है। ठीक है, आपने फिर इसकी कलरिंग करनी है। अब हम मैं आपको बता देती हूँ कि आपने मैचिंग कैसे करनी है। आपने तितली की पिक्चर कंप्लीट करनी है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम अब गौर से आपने मेरे काम को देख लेना कि मैं कैसे मैचिंग कर रही हूँ। आपने यहाँ से शुरू करना है और आपने सारे ते को आपस में मिलाना है बिल्कुल सीधी सही से लाइन में। ठीक है, पहले इस ते के पास आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपने मेरे काम को पहले देख लेना है कि मैंने कैसे मिलाया है, उसके बाद आपने करना है। ठीक है, और सारे ते को आपस में इस तरह लाइन से मिलाना है। और अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने तितली के एक विंग को पूरा कर लिया है, अब हम दूसरे विंग को पूरा करेंगे और ये हमारी तितली हो गई है कंप्लीट। ठीक है, एज यू कैन सी तितली मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आपको अगर कोई और कलर पसंद है तो आप अपनी मनपसंद कलर ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना फेवरेट कलर यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब हम पहले क्या करेंगे, आपको याद होगा कि कलरिंग का मेथड मैंने आपको क्या बताया था, एंड दैट वाज सबसे पहले आपने बाउंड्री बनानी है। ठीक है, आप सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे। अब बाउंड्री आपने किस तरह से बनानी है, ये जो पेंसिल से आपने ड्रॉ की है लाइन उसके पास आपने बाउंड्री बनानी है। ठीक है, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं क्योंकि तितली के बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने बाउंड्री बनानी है। अब जो आपको नजर आ रहा होगा कि जो पेंसिल से पहले मैंने लाइंस ड्रॉ की थी ते को आपस में मिलाया था, आपने उसके अंदर बाउंड्री बनानी है। ठीक है, अब एक साइड की बाउंड्री मेरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तितली में मैंने एक बाउंड्री कैसे बनाई हुई है, सेम एग्जैक्ट उसी तरह आपने भी अपनी बाउंड्री बनानी है। ठीक है, अब दूसरे विंग्स में भी हम बाउंड्री बना लेते हैं, उसके बाद हम बीच में कलरिंग करेंगे। बाउंड्री अगर आपकी लाइन से अंदर होगी तो आपके कलर्स कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए बाउंड्री आपने जरूर बनानी है। अगर आपको खुद बाउंड्री बनाने नहीं आती तो आप अपनी मम्मा को भी कह सकते हैं, वो आपको बना के दे दें। ठीक है, ओके जी, अब मैंने बाउंड्री बना ली है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कलरिंग करूंगी, और कलरिंग का जो मेथड मैंने आपको इतने टाइम से सिखा रही हूँ, आपको याद होना चाहिए कि अप एंड डाउन वाली टेक्निक आप यूज़ करेंगे और अपनी कलरिंग को कंप्लीट करेंगे। जब आप अप एंड डाउन वाली टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपकी बाउंड्री से बाहर कलर्स भी नहीं निकलेंगे और कलरिंग बहुत नीट एंड क्लीन होगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम अपनी सारी कलरिंग तितली में कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा
वाइट वाइट स्पेस नजर नहीं आ रहा, आपने यूं यूं टेढ़ा टेढ़ा नहीं करना, आपने बिल्कुल इस तरह से अप एंड डाउन वाली टेक्निक यूज करके कलरिंग कंप्लीट करनी है। ना आपने बाउंड्री से बाहर कलर निकालने हैं और ना ही वाइट स्पेस छोड़ना है अंदर, ठीक है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि एक साइड विंग्स की मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आपने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से कलर करना है। जल्दी से अपनी तितली में कलर फिनिश कर लें, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पर जाना है। ओके जी, एज यू कैन सी मेरा काम कंप्लीट होने वाला है। आई होप आप सब मेरे साथ साथ मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो इस तरह फिर आपका काम भी मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने मेरे साथ साथ चलना है। ओके जी, एज यू कैन सी हियर, अब आप लोग मेरी बटरफ्लाई देख सकते हैं कि मेरी बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। मैंने ऑरेंज कलर किया था, तेज से तितली शुरू होती है और तितली में मैंने ऑरेंज कलर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 10 पे, ठीक है। पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं। आप सब भी मेरे साथ काम को फॉलो कीजिए ताकि आप मुझसे पीछे ना रह जाएं, ठीक है। अब पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है, इन खानों में पहला पीला रंग फेरे जिनमें हर्फ पे लिखा है। आप लोगों ने हर्फ पे पढ़ा था ना, उसमें आपको पे से शुरू होने वाला जो कलर बताया था वो था पीला। पीला कलर कौन सा होता है? दैट इज येलो कलर, ठीक है। आप देख सकते हैं आपने और कोई कलर यूज नहीं करना, आपने पीला रंग यूज करना है, दैट इज येलो इन इंग्लिश, ठीक है। आपने पीला रंग उन बॉक्सेस में करना है जिसमें पे लिखे, और आपको याद होना चाहिए कि पे के तीन नुक्ते उसकी टमी में है, ठीक है। तो आपने किस किस बॉक्स में कलर करना है जिसमें पे लिखा हुआ है, आपने गलत बॉक्सेस में कलर नहीं करना, वरना आप कलर्स को इरेज नहीं कर सकेंगे और आपका काम गंदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पे के इस बॉक्स में सबसे पहले आपने उस बॉक्स में कलर करना है जिसमें पे है। बाउंड्री आपने लाजवन बनानी है। ओके जी, एज यू कैन सी मैं बाउंड्री बना रही हूँ, आप देख लें कि मैं कैसे बाउंड्री बना रही हूँ इस बॉक्स की। बॉक्स बहुत छोटा सा है, ब्लैक बॉक्स है, और आपने ब्लैक बॉक्स ब्लैक लाइन के पास येलो बाउंड्री बनानी है। आप देख सकते हैं कि बाउंड्री मेरी बन गई है, ठीक है। पहले आप सारी बाउंड्रीज बना लें, ठीक है, उसके बाद कलर करना इजी होगा। पे आपको याद होना चाहिए कि पे के तीन नुक्ते उसकी सर पे नहीं है, उसकी टमी में है, ठीक है। तो जिसके सर पे नुक्ते हैं आपने उसको कलर नहीं करना, ठीक हो गया। दूसरी लाइन में पे बिल्कुल एंड में है। आपने पहले नीट एंड क्लीन बाउंड्री बना लेनी है। अब थर्ड लाइन में पे पे आ जाते हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि मेरी बाउंड्रीज कंप्लीट होने वाली है। फोर पे हैं, आपने सिर्फ पे वाले बॉक्स में कलर करना है क्योंकि पीला रंग पे से शुरू होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने बाउंड्रीज बना ली हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहे हर्फ, इसके सर पे तीन नुक्ते हैं, तो आपने इसको कलर नहीं करना, ठीक है जी। अब हम कलरिंग कर लेते हैं। इसमें भी आपने वही अप एंड डाउन वाली टेक्निक यूज करनी है ताकि आपके कलर्स बाहर ना निकले। पे के तीन नुक्ते उसकी टमी में है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको पता होगा कि पे हर्फ कौन सा है, ठीक है। ओके जी, अब आप मेरा काम देख सकते हैं, मैंने पे की कलरिंग कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4, फोर पे इधर बॉक्सेस में लिखे हुए, फोर बॉक्सेस में आपने कलर करना है। ओके, जिमल इज डूइंग हर वर्क, वेरी गुड जिमल।
Irha is also doing her work. Very good, Irha. Mahad, I can't see you. Okay, जी, अब हम दूसरी एक्टिविटी पे आ जाते हैं. दी गई तस्वीर में रंग भरे. आपको यहाँ पे एक प्यारी सी कैट नजर आ रही होगी, बिल्ली, बेबा बिल्ली. बिल्ली शुरू होती है हर्फ बे से. आपको ये बिल्ली नजर आ रही होगी. अब सबसे पहले आपने इस बिल्ली की बाउंड्री बनानी है और फिर इसमें कलर करना है, ठीक है. अब मैं आपको बताती चलूं कि बे में मैं कलर कर, बिल्ली में मैं ब्राउन कलर कर रही हूं. आप सबने भी बिल्ली में ब्राउन कलर करना है. येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, इस कलर की बिल्ली नहीं होती. इसलिए आपने अपनी मर्जी का कोई भी कलर उठा के बिल्ली में नहीं करना, ठीक है. आपने ब्राउन कलर करना है या फिर आप ऑरेंज कलर कर सकते हैं, सिर्फ ऑरेंज या ब्राउन. तितली में मैंने ऑरेंज किया था तो अब हम बिल्ली में ब्राउन कलर करेंगे. अब सबसे पहले हम बाउंड्री बना लेंगे. अब सबसे पहले आप बिल्ली की बाउंड्री बना लें. अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउन कलर कर रही हूं, तो आप सबने भी ब्राउन कलर करना है. अब हम बिल्ली की बाउंड्री कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास में टाइम बहुत कम रह गया है, 5 मिनट्स रह गए हैं और हमने वर्कबुक का काम भी करना है अभी, तो एक पेज. तो जल्दी से हम बाउंड्री बना लेते हैं. अगर आप में से किसी का काम रह जाता है तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद अपना काम कंप्लीट कर लिया कीजिए. जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपका ये सारा काम चेक करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि बाउंड्री मेरी बन चुकी है. ओके जी, बाउंड्री कंप्लीट हो गई है मेरी. अब हम इसमें कलरिंग करेंगे, ठीक है. और बेस से शुरू होती है बिल्ली. आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली किस हर्फ से शुरू होती है. बेबा बिल्ली. आपने कलर्स कंप्लीट कर लेने हैं जल्दी से और अप एंड डाउन वाली टेक्निक ही यूज करनी है ताकि आपकी कलरिंग बाहर ना निकले और वाइट स्पेस भी ना रहे. अब आप देख सकते हैं कि मेरी कलरिंग कंप्लीट होने वाली है. आप भी मेरे साथ कंप्लीट कर लें ताकि हम फिर वर्कबुक का काम कर सकें. ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि बिल्ली में कलर कर लिया है मैंने. अब हमारे टेक्स्ट बुक के जो 2 पेजेस हमने आज करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 की 4 एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर ली है. अब आप लोग वर्कबुक निकाल लें उर्दू की. ओके जी, उर्दू की वर्कबुक में पेज नंबर 9 निकाल लें. टेक आउट पेज नंबर 9 ऑन उर्दू वर्कबुक, ठीक है. हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं तो काइंडली आप लोग पेज नंबर 9 निकाल लें वर्कबुक का. अब सबसे पहले आपने तारीख मेंशन करनी है और दिन मेंशन करने, ठीक है. हर खाने में दी गई तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाएं और रंग भरें. आप लोगों को हर्फ के गिर्द दायरा लगाना मैं करवा दूंगी. अगर हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है तो आपने इन पिक्चर्स में कलर्स खुद ही से करने हैं, ठीक है. आपने इन पिक्चर्स की बाउंड्री बना के कलर्स खुद ही करने हैं और फिर मैं आपके एंड में कल की क्लास में आपकी ये कलरिंग चेक करूंगी, ठीक हो गया. ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ. सबसे पहले जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो है बोतल. आप देख सकते हैं कि पिक्चर किस चीज की बनी हुई है, दैट इज बोतल. तो बोतल शुरू होती है हर्फ बे से, ठीक है. बोतल किस हर्फ से शुरू होती है, बे. तो आपने बे के गिर्द दायरा लगाना है.
बेबा बोतल, बेबा बोतल। आपने बिल्कुल स्मॉल सा सर्कल लगाना है, ठीक है? आप देख सकते हैं बेबा बोतल, बे की